अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में लेसन नंबर 43। तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन किस तरह करते हैं, हाउ टू अप्लाई कस्टम एनिमेशन इन स्लाइड्स, हाउ टू अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन, पर्पज़ ऑफ इफेक्ट एनिमेशन पैन क्या होता है, अप्लाई स्लाइड साउंड एंड चेंज ट्रांजिशन स्पीड, purpose of mouse click and automatically after slide show discuss view and review menu. तो इस लेसन के लिए मैं फॉर एग्जाम्पल एक स्लाइड ओपन करूँगा, उसके बाद मैं उस पर फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन दूंगा। तो मेरे पास स्लाइड्स पावर पॉइंट में एक स्लाइड ओपन करना चाहता हूँ और ओपन के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फाइल ओपन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पर क्लिक करता हूँ, स्लाइड्स को ओपन कर ली और मैं इसी तरह पावर पॉइंट मैंने अभी पावर पॉइंट दूसरे 7 पे भी मैं ओपन करना चाहता हूँ, फाइल नेटवर्क डिवाइसेस फॉर एग्जांपल मैं या नेटवर्क डिवाइसेस ओपन कर देता हूँ या फिर फाइल में जाता हूँ ओपन और स्लाइड्स स्टोरेज। तो मैंने ये दो स्लाइड्स ओपन कर ली, इसे मैं खत्म करता हूँ या मैं फिर कोई और स्लाइड्स ओपन करता हूँ, ओपन जो नॉर्मल सी स्लाइड हो इतनी, वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये मैंने स्लाइड्स ओपन की, अब इसमें देखेंगे कि क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो इसके लिए आज सबसे पहले करते हैं एनिमेशंस। एनिमेशंस में सबसे पहले होते हैं कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन का फंक्शन ये होता है कि आप हर एक टेक्स्ट को, हर एक पिक्चर को अलग से आप एनिमेशन देना चाहें तो आप कस्टम एनिमेशन से दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं कस्टम एनिमेशन पर क्लिक करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे देखें कस्टम एनिमेशन के नाम से एक टास्क पैन ओपन हुआ है, टास्क पैन के ऊपर मैं यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट आप देख सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये ग्रो श्रिंक हो जाए, देखें इस तरह के आ गई है। मैं साउंड वगैरह इसके ऑफ करता हूँ फॉर एग्जाम्पल पहले, तो इसके जो साउंड है वो स्लाइड शो में जाके एनिमेशन में साउंड इसका मैं नो साउंड पे क्लिक करता हूँ, साउंड इसका खत्म किया मैंने। अब हम देखते हैं जी इसके जनरेशन, इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल कोई और भी इफेक्ट देना चाहता हूँ। आपको ये इफेक्ट देने के बाद आप डिलीट करना चाहें इफेक्ट, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके रिमूव पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब मैं इफेक्ट देना चाहता हूँ दोबारा, तो मैं यहाँ से देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट देता हूँ एग्जिट में जाके, तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉक्स या ब्लेंड फ्लाई आउट पे क्लिक करता हूँ तो फ्लाई आउट हो जाएगा, देखें ओनली टेक्स्ट के लिए। दोस्तों इसको मैं इफेक्ट देना चाहता हूँ या फिर मैं पिक्चर्स को इफेक्ट देना चाहता हूँ, यहाँ से मैं पिक्चर सेलेक्ट की, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें डायरेक्टली आप यहाँ से भी इफेक्ट ले सकते हैं और मोर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो और भी ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट्स पड़े हुए हैं, आप यहाँ से कोई भी मैग्नीफाई वाला इफेक्ट देता हूँ, ओके करता हूँ, देखिए मैग्नीफाई हो गया आ गया, देख सकते हैं आप मैग्नीफाई हो क्या है। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको भी इफेक्ट देना चाहता हूँ तो आप इसको इफेक्ट देना चाहें तो आप इसको भी इफेक्ट दे सकते हैं। इसको मैं इफेक्ट देना चाहता हूँ जी फॉर एग्जांपल मोर इफेक्ट में जाके स्ट्रेप्स का इफेक्ट देना चाहता हूँ, देखो स्ट्रेप्स हो गया, आप देख सकते हैं। मैंने टेक्स्ट को इफेक्ट देना है फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको इफेक्ट देना चाहता हूँ तो रख क्या मैंने टेक्स्ट को एड इफेक्ट पर क्लिक करें और वाइप वाला इफेक्ट लें, देखें वाइप हो गया, वेज वाला करते हैं, ये वाला इफेक्ट आ जाएगा, यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट देना चाहें आप दे सकते हैं। तो इफेक्ट हो गया, आप सारे इफेक्ट्स को बार बार अप्लाई करके देखिएगा तो मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास अलग से इफेक्ट किस तरह आप दे सकते हैं। तो उसके लिए आपने मोशन पाथ है, मोशन पाथ से भी आप देखें ड्रॉ पाथ, फॉर एग्जाम्पल मैं पाथ बनाता हूँ जी ड्रॉ कर्व के थ्रू, मैं चाहता हूँ पहले यहाँ पे मूव करें फिर यहाँ पे आए
फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आके जुड़ जाए। देखें जिस तरह मैंने कहा है ये उसी तरह इसने किया। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से भी इफेक्ट दे सकते हैं मोशन पास से। उसके अलावा इसके में बने बनाए कुछ एनिमेशंस होते हैं, आप यहाँ से देखें, फेड पे क्लिक करते हैं, फेड हो के आएगी, नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। वाइप पे क्लिक करते हैं, वाइप हो के आएगी, और फिर पे आप पाथ देगी। फ्लाई एन करते हैं, फ्लाई एन होगी, और फिर लास्ट में अपना देगी कस्टम एनिमेशन, ये वाला कस्टम एनिमेशन हिडन हो जाएगा, वापस आ जाते हैं वापस आ जाएगा। तो ये होता है बेसिकली एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन। अब हमारे पास जो देखते हैं पावर पॉइंट 10 में क्या, तो पावर पॉइंट 10 में एनिमेशंस का मेन्यू अलग है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एनिमेशंस पे, और यहाँ से डायरेक्ट आप एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अलग एनिमेशंस, और इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि आप यहाँ से डायरेक्ट देखें एनिमेशंस है, ये मुख्तलिफ एनिमेशन आप यहाँ से अपने देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। देखें देख सकते हैं आप एनिमेशंस, टेक्स्ट को इफेक्ट इफेक्ट ऑप्शंस में है, वन ऑब्जेक्ट पे दे सकते हैं, ज़्यादा पे देना है तो ज़्यादा पे दे सकते हैं। अब मोर इफेक्ट यहाँ नीचे देखें, यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट है, ये देखें जो हमारा वहाँ पे पैन ओपन हो गया था, वो डायरेक्ट आप यहाँ से भी इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये 10 में थोड़ा डिफरेंट है, 10 में क्या है कि इफेक्ट थोड़े चेंज है, आप देख सकते हैं मोर इफेक्ट है यहाँ पे। आप देखें क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा। एनिमेशन पैन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड पे भी एनिमेशन पैन आ जाएगा, देख सकते हैं आप। एड एनिमेशन पे क्लिक करते हैं, एड एनिमेशन में भी यहाँ पे देखें फ्लाई आउट है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट एनिमेशन दे सकते हैं। देखें देखें शेप्स, तो ये मुख्तलिफ एनिमेशन आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखें मोर, यहाँ पे एनिमेशन और यहाँ पे, ये एनिमेशन आ गए इसके। एनिमेशंस के बाद इसमें स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है, स्टार्ट ऑन क्लिक पे स्टार्ट हो या आफ्टर या बिफोर, तो मैं चाहता हूँ क्लिक पे इंस्टॉल स्टार्ट हो, क्लिक आप यूज़ करें यहाँ पे। टाइम ड्यूरेशन कितनी हो एनिमेशन की, आप यहाँ से टाइम ड्यूरेशन दे सकते हैं। डिले कितने टाइम डिले हो, ये चीज़ कितने टाइम डिले हो उसके बाद नेक्स्ट एनिमेशन आए, तो आप वहाँ से ये चीज़ भी दे सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एनिमेशंस, एनिमेशंस के बाद है ट्रांजेक्शन, स्लाइड ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के लिए 10 में यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपकी सामने पड़ी है। तो आप यहाँ से स्लाइड को ट्रांजिशन करने के लिए आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिस पहली स्लाइड को मैं चाहता हूँ ये ट्रांजिशन किस तरह, इसकी इसकी ट्रांजिशन हो इस तरह, देखें ट्रांजिशन आ गई। दूसरे की मैं स्लाइड की ट्रांजिशन फॉर एग्जांपल चाहता हूँ जी, देखें यहाँ से ये वाली इस तरह ट्रांजिशन हो, दूसरी स्लाइड की ट्रांजिशन यहाँ से इस तरह हो, तीसरी स्लाइड की ट्रांजिशन यहाँ से रोटेट हो के ऐसे आए, तो ये स्लाइड ट्रांजिशन आ गई। अब देखें बॉटम से आए इस तरह, अब उसी ट्रांजिशन में यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल आ जाते हैं। देखें इस तरह है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस ट्रांजिशन को देता हूँ, आप इसमें देखता हूँ मैं स्टाइल कौन सा है, जिसमें स्टाइल फॉर एग्जांपल है लेफ्ट साइड से ही हो क्या है, राइट साइड से हो क्या है, तो इसके स्टाइल है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक ही ट्रांजिशन आप चाहते हो, ये वाली जो ट्रांजिशन है जो अभी मैंने दी है, ये सब की सब स्लाइड्स पे एक यही ट्रांजिशन अप्लाई हो, तो आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे, सब स्लाइड्स पे यही ट्रांजिशन अप्लाई होगी। और यहाँ से आप साउंड दे दें, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ मेरी जब ट्रांजिशन हो तो मेरे पास यहाँ पे कुछ साउंड आए, एरो का है, बॉम्ब का है, ब्रीज का है, कैमरा कैमरे फ्लैश का है। देखें तो मैं फॉर एग्जाम्पल कैमरा फ्लैश का स्टाइल दे देता हूँ। उसके बाद ये आपने अप्लाई टू ऑल स्लाइड करना है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन है कि स्लाइड कितने ड्यूरेशन तक काम करे, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ड्यूरेशन आप दे सकते हो 2 है 3 है, जितने सेकंड्स आप देना चाहो आप दे सकते हो, ठीक है। अप्लाई टू ऑल स्लाइड मैंने किया। उसके बाद जो प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं स्लाइड्स के लिए, तो वो करते हैं अन माउस क्लिक के ऊपर, आप चाहते हो माउस क्लिक के ऊपर आए, तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे F5 प्रेस करोगे स्लाइड शो के लिए, F5 प्रेस किया मैंने, और यहाँ से आप देखें तो ये आ गई जी स्लाइड। उसके अलावा आप चाहते हो कि माउस क्लिक के ऊपर ना करेगा, आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली आफ्टर चले, खुद ऑटोमेटिकली चले, तो आप आफ्टर पे क्लिक करें,
और मोस्टली को ख़त्म करें और यहाँ पे टाइम दे दें, सबसे एंड में टाइम दे दें, यहाँ पे 5 सेकेंड एंड वाले में शायद 5 सेकेंड करता हूँ। अब देखता हूँ अप्लाई टू ऑल साइट F5। तो ये था हमारे पास लाइन में ट्रांजिशन किस तरह की जाती है। अब हम देखते हैं 7 में किस तरह ये काम होते हैं। तो 7 में भी यही काम है, देखें स्लाइड एनिमेशंस में ट्रांजिशन भी है और सारे काम है, ठीक है। अब कस्टम एनिमेशंस पे क्या क्या एनिमेशन आप दे सकते हैं, और ट्रांजिशन के यहाँ पे ये ट्रांजिशन है, आप यहाँ से इसमें ट्रांजिशन देना चाहें तो आप यहाँ से दे सकते हैं, ट्रांजिशन आ गई। और अप्लाई टू ऑल साइड, और वो आगे वही सारे काम है जो हमने अभी किए। तो ये था स्लाइड एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिक्शन क्या होता है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।